हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने 11th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई फिजिक्स की ब्रांचेज क्या क्या होती हैं, जो कि 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ते हैं हम। तो लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स होती है ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज दी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, एंड इट्स वंडरफुल नेचुरल फिनोमिना। मतलब फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हमें नेचर के बारे में पढ़ते हैं, और नेचर के जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जैसे ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेनबो, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसमें जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स वर्ड ये कहाँ से लिया गया है? फिजिक्स वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड है जो कि है फ्यूजिस, FUSIS, जिसका मीनिंग होता है मीन्स नेचर। जो फिजिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड होता है एक फ्यूजिस, FUSIS, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेचर, मतलब प्रकृति। और फिजिक्स का जो संस्कृत इक्विवेलेंट होता है, एंड इट्स संस्कृत, मतलब संस्कृत में क्या कहते हैं फिजिक्स को, एंड इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी। आपने सुना भी होगा भौतिकी विज्ञान, तो फिजिक्स का संस्कृत इक्विवेलेंट होता है भौतिकी। और टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ फिजिक्स, डोमेन्स क्या होता है? ज्ञान क्षेत्र। फिजिक्स के दो डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। फर्स्ट होता है माइक्रोस्कोपिक, फर्स्ट है जैसे मैक्रोस्कोपिक, और सेकंड डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो दो डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है फिजिक्स का, इसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। और न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, न्यूटोनियन। तो ये जो है ना,
ये डेवलप हो चुकी थी अप टू 1900। जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है फिजिक्स का, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं और न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, ये 1900 तक डेवलप हो चुकी थी। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मतलब इसमें हम बड़ी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अप टू एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, टेरिस्ट्रियल स्केल, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल तक अगर हम बात करें, जैसे अर्थ हो गया, अपनी अर्थ, और टेरिस्ट्रियल स्केल मतलब जो अपनी जमीन पर या अर्थ पे पाई जाती है, जैसे ब्लॉक हो गया, मतलब हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन है जो कि फिजिक्स है, जिसको क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं और न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, ये 1900 तक डेवलप हो चुकी थी। और इसमें हमें एस्ट्रोनॉमिकल स्केल तक की चीजों के बारे में पढ़ते हैं, और टेरेस्ट्रियल स्केल मतलब जो कि धरती में पाए जाते हैं, जैसे ब्लॉक हो गया, स्ट्रिंग होगी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, इस फिजिक्स को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ये काफी लेट डेवलप हुई थी, ये डेवलप हुई थी आफ्टर 1900 के बाद में डेवलप हुई है मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको हमें माइक्रोस्कोपिक डोमेन या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें हम पढ़ते क्या है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और भी बहुत होते हैं एटसेट्रा, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत होते हैं अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जैसे मतलब जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है फिजिक्स की, सेकंड डोमेन, ये इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, ये 1900 के बाद में डेवलप हो जाए। और इसमें हमें, जैसे कि माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, तो इसमें हम बहुत छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई और अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। तो ये होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन फिजिक्स का। तो फिजिक्स क्या होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स ए वंडरफुल नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, फ्यूजिज है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर, और फिजिक्स का संस्कृत इक्विवेलेंट होता है भौतिकी, भौतिकी विज्ञान सुना भी होगा, उसको फिजिक्स ही बोलते हैं। और डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स दो होती है, एक तो मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक काफी बड़े होते हैं, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे होते हैं, जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो अगर मैक्रोस्कोपिक डोमेन या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में अगर हम बोलें, तो उसको क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं और न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, जो कि 1900 तक डेवलप हो चुकी थी। इसमें हमें मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे बोला जाए तो जैसे अर्थ होगी, सन होगी, अदर प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स होगी, कॉमेट्स होगी, टेरेस्ट्रियल
टेरेस्ट्रियल स्केल पे मतलब अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, जैसे ब्लॉक हो गया, स्ट्रिंग हो गया, रस्सी वगैरह, कुछ भी जो कि अर्थ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या होता है, इसमें हमें बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पार्टिकल्स के बारे में, और ये मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आता है, और ये 1900 के बाद डेवलप हुई है। इसमें जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या होती जिसको हमें मैक्रो फिजिक्स भी बोलते हैं, मैक्रो डोमेन जो होता है फिजिक्स का, या न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स की जो ब्रांचेज होती हैं, एक तो है मैकेनिक्स फर्स्ट, और सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स। और इसकी थर्ड ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इसकी फोर्थ ब्रांच है ऑप्टिक्स। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो इसको मैकेनिक्स को ही हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो 11th में जो हमारी है, 11th क्लास में, वो है मैकेनिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स है 11th क्लास में। और मैकेनिक्स की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे काइनेमेटिक्स होगी फर्स्ट यूनिट, मतलब 11th क्लास में यूनिट है एक, NLM हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, ये 11th क्लास की यूनिट है, और सेंटर ऑफ मास, और इंपल्स कोलिजन हो गया, रोटेशनल मैकेनिक्स होगी, ग्रेविटेशन हो गया, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स होगी, 11th क्लास का पोर्शन है मैकेनिक्स की अगर बात करें। और जैसे फ्लूड मैकेनिक्स होगी, इलास्टिसिटी हो गया, और जैसे थर्मल एक्सपेंशन हो गया। यह है मैकेनिक्स के पार्ट, और 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स भी होती है। इसमें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ते हैं। और बाद में थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ते ही हैं। तो मेनली 11th क्लास में ये पढ़े जाते हैं, अगर मोटा माटी तौर पे बोले तो 11th क्लास में ये पढ़ा जाता है। और बात रही 12th क्लास की, 12th क्लास में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा जाता है,
ऑप्टिक्स पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स तो है क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट है, और फिर इसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स भी होती है। ये तो ध्यान रहे क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंडर आते हैं। और ये ऑब्वियसली मॉडर्न फिजिक्स है, जो कि जिसको हमें माइक्रोस्कोपिक डोमेन भी बोलते हैं फिजिक्स की, जो कि 1900 के बाद में डेवलप हुई थी ये। और जो कि क्लासिकल फिजिक्स है, जिसमें मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स तो 11th क्लास में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स 12th क्लास में पढ़ते हैं, और इसके बाद में एक एक्स्ट्रा में मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात की जाए तो इसमें यूनिट होती है, फर्स्ट यूनिट होती है 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जब चार्ज रेस्ट पे हो तो क्या प्रॉपर्टी शो करता है। सेकेंड यूनिट होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड वाली, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। और फोर्थ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इसी में अल्टरनेटिंग करंट भी दिया होता है, जो कि हमारे घरों में आता है AC सप्लाई। और इसके बाद होती है फिफ्थ यूनिट 12th क्लास की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंडर, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स। और ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं हमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में हम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कौन से होते हैं, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। तो ऑप्टिक्स में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बात रही मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारी आती है 7th यूनिट 12th क्लास में, वो होती है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और 8th यूनिट मॉडर्न फिजिक्स में होती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ये पढ़ते हैं। और 9th यूनिट होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और 10th यूनिट होती है 12th की, उसमें पढ़ते हैं हम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम तो ये था हमारा, 11th क्लास में मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं, 12th क्लास में
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स को और मॉडर्न फिजिक्स को भी पढ़ते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स जिसको न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं, जो कि 1900 तक डेवलप हो चुकी थी, इसके चार पार्ट होते हैं। एक तो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, और 11th क्लास में मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ी जाती हैं। मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें काइनेमेटिक्स, एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंट्रो मास, इम्पल्स कोलिजन, रोटेशनल मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, फ्लूड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये टॉपिक आते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आती है इसमें, और थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में हमें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ते हैं। और 12th क्लास में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है, ऑप्टिक्स आती है और मॉडर्न फिजिक्स आती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स जैसा कि हम देख सकते हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, या न्यूटोनियन फिजिक्स जिसको बोलते हैं, जो कि 1900 तक डेवलप हो चुकी थी, और मॉडर्न फिजिक्स 1900 के बाद में डेवलप हुई है। इसमें हम बहुत छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर बात की जाए तो 12th क्लास में फर्स्ट यूनिट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड यूनिट आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट भी होता है सेकंड पार्ट। और फिफ्थ यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स। सिक्स यूनिट होती है छठी, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये पढ़ते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में चार यूनिट हैं, 7th, 8th, 9th और 10th, 12th क्लास की चार यूनिट हैं मॉडर्न फिजिक्स में। 7th यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ते हैं हम। 8th यूनिट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं एटम्स एंड न्यूक्लियाई आएगा। और 9th यूनिट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और 10th यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये तो वो था कि जो हम 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं। एक ब्रांच और है जिसको हम 11th 12th क्लास में नहीं पढ़ते, और वो है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ये 11th 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। नॉट इन 11th 12th क्लास। जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, उसमें तो क्या पढ़ते हैं हमें कि जो एक ऑब्जेक्ट है एक ही जगह पे होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे, ऑब्जेक्ट ऑलवेज एट ए सिंगल प्लेस एट ए स्पेसिफिक टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे होता है एट ए सिंगल प्लेस, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा नहीं मानते। जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो ऐसा नहीं मानते। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कोई पार्टिकल है, एनी पार्टिकल, कैन बी एट मोर देन वन प्लेस। प्लेस एट ए स्पेसिफिक टाइम।
मतलब हम इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में ये नहीं बता सकते किसी स्पेसिफिक टाइम पे पार्टिकल यहाँ है या वहाँ है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम मेनली पढ़ते हैं, मेनली स्टडी अबाउट वेव फंक्शन। ध्यान रहे क्वांटम मैकेनिक्स 11th 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, वेव फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हायर स्टडीज में। और इसको वेव फंक्शन को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वेव फंक्शन का स्क्वायर होती है। तो जैसे ये वेव फंक्शन है, कुछ ऐसा होता है वेव फंक्शन साइनोसोइडल, और यहाँ पे ये है पोजीशन एक्स। और जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होती है, जो जो कि हमें पता लगता है कि भाई पार्टिकल के सबसे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसका स्क्वेयर कर दो ऊपर वाले फंक्शन का, मतलब साइज स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी जो है जो कि साई का स्क्वेयर है, वेव फंक्शन का स्क्वेयर है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल के होने की संभावना ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे पार्टिकल के होने की संभावना जीरो है, यहाँ पे अगेन मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो है। तो एट ए स्पेसिफिक टाइम क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल एक से ज्यादा जगह पे मौजूद हो सकता है। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं समझने में 11th 12th के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। क्लासिकल मैकेनिक्स को तो हम आसानी से समझ जाते हैं 11th 12th क्लास में, जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। कि उसमें तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम एक सिंगल प्लेस पे ही मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक है अर्थ पे रखा है, तो एट ए स्पेसिफिक टाइम वो यहीं पे तो होगा। तो लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बातें चलती हैं प्रोबेबिलिटी पे या वेव फंक्शन पे। तो ये होती है क्वांटम मैकेनिक्स। अगर 11th 12th क्लास जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में इतने आसानी से समझ नहीं पाते क्वांटम मैकेनिक्स को, तो उनके लिए मोटा माटी तौर पे क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल एट ए स्पेसिफिक टाइम में मोर देन वन प्लेस पे हो सकता है। और इसमें वेव फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हायर स्टडीज में क्वांटम मैकेनिक्स को डील किया जाता है। और पार्टिकल के पाए जाने की जो संभावना होती है जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो वेव फंक्शन का स्केयर होती है। तो इसमें पार्टिकल के इस पोजीशन पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इस पे जीरो है, इस पे अगेन मैक्सिमम है, इस पे जीरो है। तो ये है क्वांटम मैकेनिक्स। और ये जो डेवलप हुई है अराउंड 1905, 1905 के आसपास ही डेवलप हुई है क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब स्टार्ट हुई है डेवलप होनी 1905 से। और 1905 से ही एक अदर मैथमेटिकल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसको बोलते हैं हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
ये भी 11th और 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। ये डेवलप हुई थी अराउंड 1905, 1905 के बाद में। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बहुत हाई स्पीड पार्टिकल को पढ़ते हैं, वेरी हाई, वेरी 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 हाई स्पीड पार्टिकल्स। और वो भी कितनी स्पीड के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी स्पीड क्या हो, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो। और वेलोसिटी ऑफ लाइट या जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, जिसको हम सी से भी दिखाते हैं सी, और वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स की स्पीड होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब हम पढ़ते हैं, जो कि वी होती है, वो क्या होती है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बोला जाए, जैसे 0.1 c हो गया या 0.2 c हो गया या 0.3 c हो गया, ऐसा करते करते, या 0.9 c हो गया। मतलब वेरी हाई स्पीड पार्टिकल्स को पढ़ते हैं हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और इसमें आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन बहुत पॉपुलर है। ये क्या कहता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये क्या कहता है, एम मास डिसअपियर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम सी स्क्वायर एनर्जी। मगर अगर अगर एम मास डिसअपियर हो तो उसको हम एम सी स्क्वेयर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही ओरिजिन होता है न्यूक्लियर एनर्जी का। जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जैसे जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर एनर्जी का ओरिजिन होता है, उसका प्रिंसिपल यही होता है, अगर मास डिसअपियर होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एम सी स्क्वायर एनर्जी में। और उसका उल्टा भी है, इफ एम सी स्क्वायर एनर्जी, मतलब एम सी स्क्वायर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एम, तो इसका जो रिवर्स है वो भी पॉसिबल है। अगर एम मास डिसअपियर हुआ तो एम सी स्क्वेयर एनर्जी अपियर होगी, अगर एम सी स्क्वेयर एनर्जी डिसअपियर होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एम मास अपियर होता है। तो मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर में जो क्या होता है, एम नोट सी स्क्वेयर प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब मान लो कोई भी पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है, मतलब कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ स्पीड, जैसे 0.1 c, 0.2 c, 0.3 c या 0.9 c, मतलब c वेलोसिटी ऑफ स्पीड के कंपेरेबल की स्पीड से चल रहा है, तो तब जो मास होता है ना मूविंग पार्टिकल का मास, उसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 - v² / c²
एम नोट्स तो होता है रेस्ट मास, मतलब जब वी जीरो तो 1 माइनस 0 तो मास रेस्ट मास के बराबर आ जाएगा अगर पार्टिकल रेस्ट पे है। लेकिन अगर वी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है और मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है तो ये है मूविंग मास, मूविंग पार्टिकल मास। जब पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ स्पीड के कंपेरेबल चल रहा है तो मूविंग पार्टिकल का मास है ये, और जो कि रेस्ट मास से ज्यादा ही होगा, एम विल बी ग्रेटर देन एम नॉट। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से चले तो उस मूविंग पार्टिकल का मास रेस्ट मास से क्या होता है, ज्यादा। तो ये होती है रेस्ट मास एनर्जी, एम नॉट सी स्क्वायर होता है रेस्ट मास एनर्जी। मतलब कोई मूविंग पार्टिकल है उसके पास रेस्ट मास एनर्जी होगी जो कि एम नॉट सी स्क्वायर होगी, और बाकी की होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और टोटल जो एनर्जी होगी वो होगी ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जो कि रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। तो और इसी को ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4। पी होता है यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है जो पार्टिकल, और पी होता है एम इंटू में वी। तो एम कितना है, एम नॉट अपॉन में रूट 1 माइनस v² बाय सी स्क्वेयर, मूविंग पार्टिकल का मास इंटू में वी। ये होता है मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल पी। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4। तो सी तो है स्पीड ऑफ लाइट, एम नॉट है रेस्ट मास पार्टिकल का, पी है मोमेंटम। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर लिख सकता हूँ, एम है मूविंग पार्टिकल का मास जो कि रेस्ट मास से ज्यादा ही होता है। तो ये थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1905 के बाद ही डेवलप हुई है, या 1905 के अराउंड। इसमें हमें उन पार्टिकल्स को डील करते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई, या कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। और आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन ये बहुत पॉपुलर है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एम होता है मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, ये जो आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन क्या कहता है, अगर एम मास डिसअपियर होगा तो वो एम सी स्क्वेयर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही है ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी प्रिंसिपल का यूज होता है। और इसका रिवर्स भी होता है, अगर एम सी स्क्वेयर एनर्जी डिसअपियर होगी तो वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी, एम मास में। तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेस्ट मास एनर्जी मतलब एम नॉट सी स्क्वेयर प्लस काइनेटिक एनर्जी। एम होता है मूविंग मास, एम नोट होता है रेस्ट मास, मतलब एम मूविंग मास का मतलब मूविंग पार्टिकल जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से चल रहा है उसका, उस टाइम पे जब उसका मास होगा, और वो होता है एम नोट डिवाइडेड बाय √1 - v² बाय सी स्क्वेयर। एम यहाँ से दिखाई दे रहा है, एम नोट से ज्यादा ही आएगा, मतलब जब पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है ना तो उसका मास बढ़ जाता है, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ स्पीड चलेगा तो एम एम नोट से ज्यादा आएगा। लेकिन ऐसे जैसे 80 किलोमीटर पर आवर या 500 किलोमीटर पर आवर, उस टाइम पे एम एम नॉट के बराबर ही आता है, मतलब वो वेलोसिटी ऑफ स्पीड के कंपेरेबल नहीं होती वो स्पीड। और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर को मैं रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की लिख सकता हूँ, और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर को मैं रूट सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, वेयर पी इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी, मास एम नोट अपॉन में √v² - v² / c² और v स्पीड ऑफ,
पार्टिकल। एम है मूविंग पार्टिकल का मास, वी है उसकी स्पीड। तो ये होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का, बाकी ये 11th 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। अब पढ़ते हैं हमें डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है? डिस्कवरी तो को हिंदी में बोलते हैं खोज। तो डिस्कवरी क्या होती किसी चीज का पता लगाना जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी, किसी चीज के बारे में पता लगाना। जो पहले एग्जिस्ट करती थी जैसे लाइट एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो लाइट पहले एग्जिस्ट करती थी बिल्कुल, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट हमने पता लगाई कितनी होती है, 3 × 10⁸ m/s। तो इसको बोलते हैं डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो कि किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और इन्वेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आविष्कार। जो कि हमारे हमारे द्वारा यूजिंग इंजीनियरिंग बनाए जाते हैं, जैसे इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। क्योंकि ग्राम बेल ने किया था इसका इन्वेंशन। ऐसे ही किसी भी चीज का इन्वेंशन उसको बोलते हैं हम आविष्कार हिंदी में। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। डिस्कवरी होती है खोज, किसी चीज की खोज। उनका मतलब क्या होता है किसी चीज की डिस्कवरी? जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी उसका बस पता लगाना। जैसे लाइट तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी लेकिन हमने उसका पता लगा लिया कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ m/s होती है। और जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, वास्को डी गामा ने इंडिया की डिस्कवरी की थी। इन्वेंशन होता है चीजों को बनाना यूजिंग इंजीनियरिंग। तो जैसे इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन ग्राम बेल ने किया था। तो नेक्स्ट इससे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।